बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आफाक न्यू इकबाल सीरीज़ कीप लर्निंग एट होम, ग्रेड 3 सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट 1। गॉड गेव मी आईज, यानी अल्लाह ताला ने मुझे आंखें दी। इन प्रीवियस लेसन वी हैव ओवरव्यूड आवर ऑब्जेक्टिव्स, रीड द पोएम, फाइंड आउट न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स, लर्न अबाउट द राइमिंग वर्ड्स एंड गॉट टू नो अबाउट द हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड्स ऑफ लेटर सी एंड जी। In today's lesson, we will enjoy our learning with some more amazing stuff. So let's start our today's lesson with comprehension focus on page number 3. Dear students, comprehension ke question se hume kisi bhi lesson ko understand yani samajhne mein aasani hoti hai. Aaj hum comprehension ki exercise ko solve karenge aur trigraphs aur digraphs ke bare mein seekhenge. So let's start our comprehension with question and answer. Answer these following questions. Question 1 is, what things might the poetess see with her eyes? Shaira apni aankhon se kya dekh sakti hai? The poetess sees blossoming trees, Dolly's face, storybooks and various creatures with her eyes. The next question is, how do we use our senses? Hum apni senses kis tarah istemal karte hain? The answer is, we use our senses to see the things, to hear the sounds, to taste the flavors, to smell and to feel through our skin. The other question is, write names of two creations of Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the poem. Allah ta'ala ki banayi hui koi si do cheezon ke naam jo is poem mein diye gaye hain, write down kare. The answer is, the two creations of Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in this poem are flowers and trees. The other question is, how do we say thanks to Allah subhanahu wa ta'ala for his blessing? Hum Allah ta'ala ki neymaton ka kaise shukr ada karte hain? The answer is, we should say thanks to Allah and praise his creations. Very good. To humne is लेसन को समझा थ्रू कम्प्रीहेंशन, क्वेश्चन एंड आंसर्स। इन आंसर्स को आपने अपनी नोटबुक पर प्रैक्टिस भी करना है। जी हाँ, वेरी गुड। अब हम डायग्राफ्स और ट्राइग्राफ्स के बारे में सीखते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट आर डायग्राफ्स एंड ट्राइग्राफ्स। डायग्राफ्स टू लेटर का एक ऐसा ग्रुप होता है जो सिंगल साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे वेन में WH, विश में SH वगैरह। इसी तरह ट्राइग्राफ थ्री लेटर्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो सिंगल साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे कि एरोप्लेन में एयर AER, माइट में IGH और फेच में TCH। सो लेट्स एक्सरसाइज डायग्राफ्स एंड ट्राइग्राफ्स फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस ऑन पेज नंबर 4। अंडरलाइन द डायग्राफ्स एंड सर्कल द ट्राइग्राफ्स, then write them in their relevant columns. The first column is diagraph and the other column is trigraph. अब हमने सेंटेंस में मौजूद डायग्राफ को अंडरलाइन करना है और ट्राइग्राफ को सर्कल करना है। तो इसे सॉल्व करते हैं विद द फर्स्ट सेंटेंस, टुनाइट अली विल ब्रिंग अ शीप। टुनाइट में IGH इज अ ट्राइग्राफ, ब्रिंग में ING इज अ ट्राइग्राफ, शीप में SH is a diagraph. The second sentence, fresh air is coming from the window. Fresh mein SH is a diagraph, coming mein ING is a trigraph. When will the aeroplane arrive? When mein WH is a diagraph and aeroplane mein air mean AER is a trigraph. Toh humne dekha के डायग्राफ्स और ट्राइग्राफ्स क्या होते हैं और इनको यूज़ कैसे किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वील मूव टू आवर नेक्स्ट टास्क, ग्रामर ऑन पेज नंबर 4। इन ग्रामर टुडे वील लर्न अबाउट नेमिंग वर्ड्स और नाउन, सब्स्टिट्यूशनल वर्ड्स और प्रोनाउन एंड द आर्टिकल्स और ए एन एंड द। सो लेट्स स्टार्ट विद द नाउन। नाउन को हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं क्योंकि किसी का भी नाम नाउन कहलाता है, जैसे भाई, लड़का, लड़की, आपका नाम, टेबल, चेयर, दीज आर ऑल द नेमिंग वर्ड्स एंड आर कॉल्ड नाउन। जस्ट लाइक इन द एक्सरसाइज द ग्रीन हाईलाइटेड वर्ड्स आर द
नेमिंग वर्ड्स आर द नाउन फ्लड्स ब्रदर कीवी फ्रूट एनिमल्स उमर एंड कार. नाउ विल डिस्कस अबाउट द प्रोनाउन ऑन द सेम पेज. सबसे पहले देखते हैं कि प्रोनाउन क्या होते हैं. अभी हमने नाउन को समझा, तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हों प्रोनाउन कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई यू ही शी दे वी इट हिम और हर. लेट्स सपोज इन द अप गिवन सेंटेंस उमर ड्राइव्स हिज कार वेरी फास्ट. इस सेंटेंस में हिज प्रोनाउन है जो उमर की जगह पर यूज किया गया है. सो यू हैव टू प्रैक्टिस द हाइलाइटेड वर्ड्स गिवन बिलो इन द चार्ट सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. लेट्स हैव सम एक्सरसाइज विद द प्रोनाउंस. राइट द प्रोनाउन दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइन नाउन्स. आई प्ले विद हिना एंड सारा. हिना एंड सारा आर अंडरलाइन एंड them is used for these two nouns. Ali thanked Allah for his blessing. He can be used in place of Ali. My brother and I went shopping. We can be used in place of my brother and I. My mother cooked tasty food for dinner. She can be replaced by my mother. And it would be the objective. अब हम पेज नंबर 6 पर आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे. ए एन और दा को आर्टिकल कहते हैं. तो आर्टिकल यूज करने के रूल्स के बारे में पढ़ते हैं. द फर्स्ट रूल इज अ इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. अ हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है जिसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो. एन इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन्स दैट बिगिंस विद अ वाउल. एन सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है जिसका फर्स्ट लेटर वाउल हो. जी हाँ, द इज यूज व्हेन वी नो देयर इज ओनली वन ऑफ द पर्टिकुलर थिंग्स. द हम इस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें पता हो कि किसी एक खास चीज के बारे में बात हो रही है. The is used with names of rivers, seas, oceans and continents. The दरियाओं समंदरों बड़े समंदरों mean oceans और बरियाजमों यानी continents के नाम के साथ इस्तेमाल करते हैं. The is used before a noun if we repeat it. अगर हम कोई noun दोबारा भी यूज करें तो उसके साथ the यूज करते हैं. Let's practice it. सर्कल द करेक्ट आर्टिकल्स इन द गिवन सेंटेंस. आपने इसको प्रैक्टिस करना है अप टू द गिवन रूल्स जो अभी आपने सीखे. अब हम मूव ऑन करते हैं पेज नंबर 7 पर जहां हमें मिलती है लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्सरसाइज. तो लिसनिंग और स्पीकिंग के जरिए हमारी इंग्लिश लैंग्वेज बेटर होती है. तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग को आपने अपने बहन भाई अम्मी अबू के साथ ओरली यानी बोल कर प्रैक्टिस करना है. इसे अपनी नोटबुक पर राइट डाउन नहीं करना. तो इसे हम मिलकर एक बार प्रैक्टिस करते हैं. लेट्स स्टार्ट. आलिया अस्सलाम वालेकुम. मे आई नो योर नेम. मारिया वालेकुम अस्सलाम. माय नेम इज़ मारिया. आलिया आई एम आलिया. आई एम इन ग्रेड 3. व्हाट ग्रेड आर यू इन. मारिया आई एम आल्सो इन ग्रेड 3. आलिया व्हाट डज योर फादर डू. मारिया ही इज़ अ डॉक्टर. आलिया दैट्स ग्रेट. मारिया व्हाट अबाउट योर फादर. आलिया माय फादर इज एन इंजीनियर. मारिया इट्स अ प्लेजर टू मीट यू. आलिया थैंक यू. सी यू सून. गुड बाय. नाउ वी विल वर्क विद राइटिंग ऑन पेज नंबर 7. आज हम बात करेंगे मल्टी सिलेबल वर्ड्स के बारे में. ऐसे वर्ड्स जिनमें एक से ज्यादा सिलेबल्स होती हैं मल्टी सिलेबल वर्ड्स कहलाते हैं. तो आज का हमारा टास्क है फाइंड 3 मल्टी सिलेबल वर्ड्स इन द पोएम एंड राइट देम इन योर नोटबुक. आपने 3 मल्टी सिलेबल वर्ड्स इस पोएम में से फाइंड आउट करने हैं और अपनी नोटबुक पर राइट डाउन करने हैं. तो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने सीखा राइटिंग को, लिसनिंग एंड स्पीकिंग को, ग्रामर को, कंप्रीहेंशन को. होपफुली आपने आज का लेसन एंजॉय किया होगा और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे
तो आपको और ज़्यादा सीखने को मिलेगा। अगले लेसन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।